हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉटेज ऑफ नॉलेज के इस नॉलेज हब में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि मैंने कहा था कि हम हर रोज़ जीके का सीरीज़ लाएंगे, जीके के कोई ना कोई टॉपिक को सही तरह से डिस्कस करेंगे। तो आज हम फिर से आ गए हैं एक ब्रांड न्यू टॉपिक के साथ, जिससे काफ़ी सवाल आते हैं एग्ज़ाम में, और वो है एनवायरनमेंटल मूवमेंट। देखिए, एनवायरनमेंट मूवमेंट क्या है? एनवायरनमेंट मूवमेंट कैन बी डिफाइंड एज अ सोशल और पॉलिटिकल मूवमेंट फॉर कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। प्रकृति को बचाने के लिए कोई भी जो सोशल होता है या पॉलिटिकल कोई भी आंदोलन अगर हुआ तो उसे एनवायरनमेंटल मूवमेंट कहते हैं। एक्चुअली एनवायरनमेंटल मूवमेंट किस वजह से किया जाता है? एक्चुअली एनवायरनमेंट जो मूवमेंट होता है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसे हम कहते हैं नेचर की क्षति ना पहुंचाते हुए डेवलपमेंट किया जाए, इस बात को फोकस करके ये एनवायरनमेंटल मूवमेंट होता है। अब देखते हैं इंडिया में आज तक कितने सारे एनवायरनमेंटल मूवमेंट हुए। वैसे तो बहुत सारे एनवायरनमेंटल मूवमेंट होते रहते हैं यहाँ पर वहाँ पर, इनमें से सभी को याद रखना तो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हमने 7 को डिस्कस किया है। यहाँ पे जो 7 एनवायरनमेंटल मूवमेंट है जिससे काफ़ी सवाल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो चलते हैं हम डिस्कस करते हैं वो 7 एनवायरनमेंटल मूवमेंट। देखिए, वो 7 एनवायरनमेंटल मूवमेंट है विश्नोई मूवमेंट, दूसरे नंबर पर है चिपको मूवमेंट, तीसरे नंबर पर है सेव साइलेंट वैली मूवमेंट, 4 नंबर पर है जंगल बचाओ आंदोलन, 5 नंबर पर है एपिको मूवमेंट, और 6 नंबर पर है नर्मदा बचाओ आंदोलन, और 7 नंबर पर है तेहरी डैम कन्फ्लिक्ट। अब देखते हैं इनके बारे में बारीकी से जानेंगे। चलते हैं विश्नोई मूवमेंट की ओर। ये सबसे पहला वाला है, ये ईयर 1700 में हुआ था, 1700 में हुआ था, ये बहुत पहले की बात है। ये राजस्थान में हुआ, वहाँ के खेजारली डिस्ट्रिक्ट, खेजारली और मारवाड़, ये दो जगह पर इस विश्नोई आंदोलन को देखा गया था। विश्नोई आंदोलन एक ऐसा आंदोलन होता है जहाँ पे अमृता देवी, वहाँ की एक निवासी थी गांव वालों, वहाँ पे जो पेरे थे तो उन ट्रीज को कट करने के लिए राजा के सोल्जर्स भेजे। अब इन लोगों ने क्या कर लिया, इन्हें इनके लिए ये जो पेड़ पौधे पेड़ थे ये इनके लिए भगवान थे, ये इनके इनका रिलीजियस सेंटिमेंट यहाँ पे हार्ट होता था। ये अगर पेड़ काट दिया जाता तो इनका रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट होता था, इसीलिए इन्होंने क्या किया, ये इन्होंने उन लोगों को रोका और पेड़ को पकड़कर खड़े हो गए जिससे ये ना हो सके, कि ये काटना ना हो सके। लेकिन फिर भी किंग ने बहुत सारा इन पर टॉर्चर किया, बहुत लोग घायल हुए, बहुत लोग मर गए। तो यही था विश्नोई आंदोलन। इसमें आपको याद रखना है ये विश्नोई आंदोलन 1700 में हुआ, उसका कहाँ पे हुआ, खेजारली मारवाड़ रीजियन राजस्थान, और उसका लीडर कौन था, लीडर था अमृता देवी। वो कहाँ के थे, खेजारली लैंड के थे ये अमृता देवी। ओके, तो चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अब आता है चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट मूवमेंट है, काफ़ी एग्जाम में ये पूछे इसके बारे में पूछा जाता है। ये चिपको मूवमेंट, चिपकाने का मतलब तो आप सबको पता है, चिपको मतलब पकड़ के रखना, जोर से पकड़ के रखना, इसे कहते हैं चिपको। अब ये चिपको आंदोलन कहाँ पे हुआ, चिपको आंदोलन हुआ 1973 में, ये यार याद रखिएगा 1973 में उत्तराखंड में जो तेहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट थे और चामोली डिस्ट्रिक्ट, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट में उत्तराखंड में ये चिपको मूवमेंट हुआ।
अब आपको याद रखने होंगे कि यहाँ के इनके लीडर कौन थे। चिपको आंदोलन के लीडर थे सुंदर लाल बहुगुणा। बहुत बार एग्जाम में ये पूछा जाता है कि चिपको आंदोलन से एसोसिएटेड लीडर कौन कौन थे। सुंदर लाल बहुगुणा, गौरा देवी, चंडी प्रसाद भट्ट और एंड धूम सिंह नेगी, शमशेर सिंह बिस्त, ये सभी चिपको आंदोलन के नेता थे। आपको ये तीनों चीज़ याद रखने होंगे कि 1973 में हुआ था चिपको आंदोलन, किस जगह हुआ, चामोली डिस्ट्रिक्ट में हुआ, गारवाल में, उत्तराखंड के तेहरी गारवाल डिस्ट्रिक्ट में एंड चामोली डिस्ट्रिक्ट में। और यहाँ के लीडर्स कौन कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी, चंडी प्रसाद भट्ट, धूम सिंह नेगी एंड शमशेर सिंह बिस्त। इनका इनका एजेंडा क्या था, इन्होंने क्या किया था, वहाँ पे जो पेड़ थे, हिमालयन जो ट्रीज थे, उनको काटने का जो निर्णय किया था, इन्होंने क्या किया था, वो जो पेड़ था उनको पकड़ के खड़े हो गए, जिससे ये आंदोलन, जिससे पेड़ काटा ना जा सके, इसी को कहते हैं चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन इसे ही कहते हैं। तो चलते हैं अगले आंदोलन की ओर। अब आते हैं सेव साइलेंट वैली मूवमेंट। अब साइलेंट वैली के बारे में तो आप सभी को पता ही होगा कि साइलेंट वैली कौन सा है। देखिए, केरला का जो पालघाट जिला है, पलक्कड़, जो केरला का जो पलक्कड़ जिला है, उसमें जो एवरग्रीन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, एवरग्रीन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है केरला का पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ ये आंदोलन हुआ था। वहाँ पे 1978 में ये आंदोलन हुआ था। वहाँ क्या हुआ था, वहाँ जो अरण्य है उसे साइलेंट वैली कहा जाता है। अब ये तो वहाँ पे बांध निर्माण के लिए, वहाँ पे सरकार ने क्या किया था 1978 में, बांध निर्माण के लिए वहाँ पे ये इस पेड़ पौधों को काटना शुरू कर दिया। अब इसे रोकने के लिए जो एक लीडर कौन कौन आए, इसे रोकने के लिए लीडर आए द केरला शास्त्र साहित्य परिषद। ये एक एनजीओ था, मतलब ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो साइलेंट वैली आंदोलन है उसका लीडर में जो एनजीओ था उसका नाम क्या है, उसका लीडरशिप में जो एनजीओ था उसका नाम है द केरला शास्त्र साहित्य परिषद, KSSP, एंड द पोएट सुगुथा कुमारी। एक पोएट भी थी सुगुथा कुमारी, उन्होंने भी साइलेंट वैली आंदोलन में अपना हिस्सा लिया। ओके, तो आखिर में ये यहाँ क्या होता है, आखिर में यहाँ पे 1983 में ये जो परिकल्पना थी ये इसको रद्द कर दिया जाता है और वहाँ पे एक नेशनल पार्क बनाया जाता है। ठीक है, तो चलते हैं अगले मूवमेंट की ओर। इसे अब ये देखिए, ये है जंगल बचाओ आंदोलन। ये कहाँ पे हुआ, जंगल बचाओ आंदोलन 1982 में सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में हुआ। बिहार के सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में जंगल बचाओ आंदोलन हुआ। अब यहाँ पे क्या हुआ तो होता है, यहाँ पे कुछ शाल फॉरेस्ट के थे और वो हाईली उसका दाम बहुत ज़्यादा था, उस साल का जो वृक्ष थे उनका दाम बहुत ज़्यादा था, इसीलिए सरकार ने क्या किया, सरकार का एजेंडा था इसको काटकर, इसे काटकर कुछ बनाया जाए। तो जो वहाँ का जो ट्राइबल्स थे, सिंहभूम एरिया के जो ट्राइबल्स थे, उन्होंने इसके खिलाफ लड़ा और इसका नाम ही था जंगल बचाओ। और ये 1982 में हुआ था बिहार के सिंहभूम में। चलते हैं अगले, ये इसका बारे में काफ़ी बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, अपिको आंदोलन, अपिको मूवमेंट। ये भी 1983 में हुआ। ये कहाँ पे हुआ, यहाँ पे ये हुआ उत्तर कन्नड़, जो कर्नाटक के सिरसी रीजियन,
कर्नाटक के सिरसी रीजियन में ये एपिको आंदोलन हुआ। अब ये आंदोलन तो हुआ, उसका लीडर कौन था? उसका लीडर थे पांडुरंग हेगदे। ये पांडुरंग हेगदे इसका लीडर था, पांडुरम हेगदे। एपिको का मतलब होता है जोर से पकड़ लेना, मतलब दिल से किसी को पकड़ लेना को एपिको कहा जाता है। अब यहाँ पे इसको एकदम से गांधीवादी तरीके से लड़ा गया था इस आंदोलन को, और यह इसका एजेंडा था। इसको जब भी पेड़ काटने के लिए कोई आते थे तो उन्होंने 160 महिलाएं, पुरुष और बच्चे ये पेड़ों को पकड़ के खड़े हो जाते थे। ऐसे ही इन्होंने ये आंदोलन किया था, इसे कहते हैं एपिको आंदोलन। आपको बस याद रखना होंगे कि ये कहाँ हुआ, ये कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ में हुआ और शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में हुआ और सिरसी अंचल में ये एपिको आंदोलन हुआ। अब कई बार ऐसा एक पूछा जाता है कि 5F किस आंदोलन से एसोसिएटेड है, 5F किस आंदोलन से एसोसिएटेड होते हैं। 5F का मतलब है फूड, फोडर, फ्यूल, फाइबर, फर्टिलाइजर। फूड, फोडर, फ्यूल, फाइबर, फर्टिलाइजर, ये एपिको मूवमेंट से एसोसिएटेड है। अब उसका एक और सवाल पूछा जा सकता है, बार बार पूछते हैं कि इसका लीडर कौन था। लीडर था पांडुरंग हेगदे। अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं नर्मदा बचाओ अभियान। नर्मदा नदी में 30 बड़े बड़े बांध है और 135 मीडियम साइज बांध निर्माण के लिए निर्माण का एक परिकल्पना किया गया था, जिसमें से सबसे उल्लेखयोग्य था सरदार सरोवर डैम। अब यहाँ पे क्या होता है, बांध का जो हाइट का प्रपोज हाइट था वो था 130 मीटर, लेकिन ये जो परिवेशविद वहाँ पे थे उनका कहना था इससे यहाँ पे बहुत गहरा असर पड़ने वाला है यहाँ के इकोसिस्टम में। और कौन, किसने इसका नेतृत्व दिया 1985 में ये आंदोलन हुआ, और इसका नेतृत्व में कौन रहता है, इनका नेतृत्व देता है मेधा पटकर एंड बाबा आमते। मेधा पटकर एंड बाबा आमते, इन्होंने प्रपोज्ड हाइट जो था ये 130 मीटर था, और इन्होंने डिमांड किया था कि यहाँ पे 88 मीटर का जो डैम बनाया जाए। लेकिन आखिर में कोर्ट इसको, ये कोर्ट में गया ये मैटर और सब जुडिस था। अब कोर्ट का फैसला आ चुका है और कोर्ट के अकॉर्डिंग इस डैम का हाइट जो है 90 मीटर किया गया है। यही था। अब ये इस आंदोलन का मेन मोटो था ये प्रोजेक्ट को रोक देना, लेकिन प्रोजेक्ट तो नहीं रुका, लेकिन डैम का हाइट काफ़ी घट गया था। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अब यहाँ पे आता है तेहरी डैम कॉन्फ्लिक्ट। तेहरी डैम आप परिचित होंगे कि उत्तराखंड में ये तेहरी डैम है भागीरथी रिवर पे। अब इसका ये 1990 में हुआ तेहरी डैम कॉन्फ्लिक्ट, और इसका लीडर भी था सुंदरलाल बहुगुणा। देखिए यहाँ पे जो आंदोलन था इसका मैटर थोड़ा अलग था। यहाँ पे जो बांध किया गया तेहरी, उससे जो वहाँ के जो इनहेबिटेंट्स थे उनको हटाया गया वहाँ से, और इनके हटाए जाने के विरुद्ध ही ये आंदोलन किया गया मेनली। और उसके साथ ये एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस का इशू भी था। इन सभी को मिलकर ये आंदोलन हुआ तेहरी डैम कॉन्फ्लिक्ट 1990 में। और आपको याद रखना होगा कि तेहरी डैम कहाँ पे है। तेहरी डैम है भागीरथी रिवर उत्तराखंड में। ये 1990 में हुआ और लीडर कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा। आपको बस अब ये ख़त्म होता है हमारा लेक्चर आज का। आपको बस ये वीडियो बार बार देखना है और इसके बारे में आप बहुत कुछ जान जाएंगे। बहुत सारे
परिवेश आंदोलन के बारे में हमने बात किया, इसके अलावा भी बहुत सारे आंदोलन है, जब इसके अलावा भी है बालियापाल आंदोलन 1979 में वो जो उड़ीसा में हुआ था, और मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में मिट्टी बचाओ आंदोलन भी है। लेकिन मतलब ये सब कुछ एक साथ हमने इस वीडियो में कह दिया, आपको बस ये वीडियो बार बार चला के देखना है, आपको समझ में आ जाएगा और एग्ज़ाम में आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो फिर चलते हैं, आज का जीके डोज यहीं पे ख़त्म करते हैं, कल आएंगे फिर से कोई नया टॉपिक लेकर आपके लिए। बस आप कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल for two